दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे भोला शंकर के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये फिल्म 2015 में आई अजीत की तमिल फिल्म वेदलम की रीमेक थी। इस फिल्म में चिरंजीवी लीड रोल में नजर आए थे। उनके अलावा इस फिल्म में कीर्ति सुरेश, तमन्ना भाटिया, सुशांत, तरुण अरोरा, मुरली शर्मा और सहजय शिंदे नजर आए थे। इस फिल्म को मेहर रमेश ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1200 स्क्रीन के साथ 11 अगस्त 2023 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 16 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 26 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 30 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 31 करोड़ 70 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था तो 38 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 5 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 43 करोड़ 30 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 82 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से डिजास्टर हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 3.3 रेटिंग मिले। दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।